हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और डाइट शेयर करने वाली हूँ जिससे आप 10 दिन में 5 से 7 केजी तक घटा पाएंगे, शायद उससे भी ज़्यादा, अगर दिखाए गए तरीके से फॉलो करें तो। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है और ये डाइट फॉलो करते वक्त कोई भी चीटिंग ना करते हुए फॉलो करनी है। लव योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ एंड थिंक यू कैन डू इट इफ़ यू वांट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के खाली पेट में लेना है 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, उसके साथ 1 ग्लास गर्म पानी, या फिर आप 1 एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल कैप्सूल गर्म पानी के साथ ले। तो मैं यहाँ पे वाव का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल कैप्सूल सजेस्ट करूँगी, जो कि 100% कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल से बना है। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले ये एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल लेने से आपका पूरा दिन का एनर्जी मिल जाता है, डाइट करते वक्त जो थकान महसूस होता है वो दूर करता है, साथ में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हेल्प करता है, दिमाग को सही तरीके से काम करने में हेल्प करता है, जॉइंट पेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, हमारा इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और जल्दी वज़न घटाने में मदद करता है, अगर आप ये एक प्रॉपर डाइट प्लान के साथ लेंगे तो। इसे छोड़ के भी एक कैप्सूल डेली लेने से ये हमारा स्किन को मॉइस्चराइज करता है और बालों को जड़ से मजबूत करता है। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ को क्योर करने में मदद करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। ये सॉफ्ट जेल जिलाटिन, ग्लिसरिन और प्यूरिफाइड वाटर से बना है, इसमें और कोई भी फिलर्स, बाइंडर, फ्लेवरिंग्स या फिर प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं है। ये 100% ग्लूटेन फ्री और स्टेरॉइड फ्री कैप्सूल है। इसमें 60 सॉफ्ट जेल कैप्सूल है और इसमें प्योर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल पाया जाता है, विच गिव्स यू द इंस्टेंट एनर्जी एंड स्पीड अप द वेट लॉस प्रोसेस। अगर ये आप खरीदना चाहते हैं तो ये आपको ऑनलाइन में आसानी से मिल जाएगा और काफ़ी सारा डिस्काउंट के साथ। इसे खरीदने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लिंक पर क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में एग ओट्स ऑमलेट ले सकते हैं, या फिर बेसन चिला ले सकते हैं, या फिर 2 ओट्स का रोटी, उसके साथ वेजीज या फिर पनीर कढ़ी भी ले सकते हैं। आप अल्टरनेट करके भी ब्रेकफास्ट को ले सकते हैं। बेसन चिला और एग ओट्स ऑमलेट का रेसिपी मेरे चैनल में है, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। वेट लॉस पनीर कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन गरम करें और उसमें 1 चम्मच बटर डालें। इसके साथ 2-3 कलियाँ चॉप किया हुआ लहसुन, 2 चॉप किया हुआ ग्रीन चिली, इसे थोड़ा भून लें। अब इसमें 1 चॉप किया हुआ प्याज डालें। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें। ये देखिए प्याज अभी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें 1 टमाटर का प्योरी डालें। आप टोमेटो प्योरी के बदले में चॉप किया हुआ टमाटर भी डाल सकते हैं और इसे थोड़ा सा फ्राई करें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें ताकि ये मसाला नीचे से ना जल जाए। अब स्पाइसेस ऐड करें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ रॉक सॉल्ट पाउडर डाल दें। सादा नमक यूज़ ना करें, रॉक सॉल्ट या फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करें। ये देखिए मसाला अभी ड्राई हो चुका है, इसलिए मैं इसमें और थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिला दे रही हूँ। अब इसमें 2-3 चम्मच दही को अच्छे से फेंट के डाल दें और इसे और 1 से 1.5 मिनट फ्राई करें। ये देखिए मसाला भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाल दें और इसे अच्छे से मिला दें और उबलने के लिए रखें। जब पानी में उबाल आ जाए तब इसमें क्यूब्स में कटे हुए 100 ग्राम पनीर डाल दें और 5 मिनट पकाए। 5 मिनट बाद इसमें कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ, आप इसमें गरम मसाला पाउडर या फिर चॉप किया हुआ धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं और इसे और 1 से 2 मिनट पका लें। तो ये देखिए हमारा पनीर करी बन के तैयार है। ओट्स का रोटी बनाने के लिए हमें लगेगा 1/2 कप ओट्स, इसको मैं ग्राइंड करके पाउडर बना लिया ये देखिए, और इसके साथ 1/4 कप आटा मिला दें
और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो बना लें। इसमें कोई भी नमक, चीनी, ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे। ये देखिए, इससे मैं दो रोटी बनाऊंगी। ये ओट्स का रोटी का टेस्ट बिल्कुल आटे का रोटी का जैसा होता है। आप इसे घर पे ज़रूर बनाइए। जो लोग ओट्स खाना पसंद नहीं करते हैं वो ऐसे रोटी बना के खा सकते हैं। तो अब इसे मैं सेक लूँगी और हमारा ओट्स का रोटी तैयार है। दो रोटी के साथ एक छोटी कटोरी पनीर कढ़ी ले सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद इनमें से कोई भी एक फ्रूट ले, पाइनएप्पल, गुआवा, एप्पल या फिर पपाया। अल्टरनेट डे में अल्टरनेट करके भी ले सकते हैं। अब बारी है लंच के। लंच का भी मैं ऑप्शन डाल दिया। फ्रूट एंड ओट स्मूदी ले सकते हैं, चिकपीस सलाद ले सकते हैं या फिर बॉयल्ड चिकन सलाद भी ले सकते हैं। चिकपीस सलाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम बॉयल किया हुआ चिकपीस ले रही हूँ, साथ में हाफ चॉप किया हुआ गाजर, थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज, ग्रीन चिली और एक चॉप किया हुआ क्यूकम्बर डालें, साथ में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, लेमन जूस और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल के इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। चिकपीस हमारे हड्डियों को मजबूत करते हैं, ये ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करते हैं, साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करते हैं। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होने के कारण ये हमें बहुत देर तक फुल रखता है और तेज़ी से वज़न घटाने में मदद करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है, अगर आप बहुत जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं तो रात में हमेशा एक हेल्दी सलाद या फिर एक हेल्दी सूप चूज करें, ज़्यादा हैवी फूड रात को ना लें। तो ये देखिए, हमारा चिकपीस सलाद बनके तैयार है और नॉन वेजिटेरियंस इसमें बॉयल किया हुआ चिकन भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 बजे के बीच में इवनिंग स्नैक ले और इवनिंग स्नैक में एक छोटी कटोरी रोस्टेड चना या फिर मखाना, साथ में 1 कप ग्रीन टी ले। नेक्स्ट, द लास्ट मील ऑफ द डे डिनर, 7 से 8 बजे के बीच में डिनर कम्प्लीट करें और डिनर में चिकन सूप या फिर पनीर सूप ले। चिकन सूप का रेसिपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पनीर सूप बनाने के लिए एक पैन में 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालें और उसमें 3-4 कलियां चॉप किया हुआ लहसुन और 1 चॉप किया हुआ प्याज डाल के थोड़ा सा भून लें। फिर इसमें 1/2 चॉप किया हुआ कैप्सिकम डालें, 1/2 चॉप किया हुआ गाजर डालें और उसके साथ 1 चम्मच रॉक सॉल्ट पाउडर डालें। फिर इसको थोड़ा सा भून लें। अब 1 चॉप किया हुआ टमाटर डालें, साथ में हरा मटर और पनीर क्यूब्स डाल दें। इसके साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर डाल के इसको अच्छे से भून लें और थोड़ा सा पानी ऐड करें और पानी सूखने तक इसको फिर से भूनें। मुझे ये सूप को थोड़ा सा थिक बनाना है और साथ में इसको और भी हेल्दी बनाना है, तो मैं यहाँ पे बॉईल किया हुआ चिकपीस को थोड़ा सा पेस्ट कर लूँगी। अब देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बॉईल किया हुआ चिकपीस ले लिया और इसको मिक्सचर ग्राइंडर में चला के इसका एक पेस्ट बना लूँगी और ये पेस्ट को मैं इसमें डाल दूँगी, डाल के अच्छे से मिला दूँगी और इसमें 1.5 से 2 कप पानी डाल दूँगी और पानी को उबाल आने तक वेट करूंगी। जब पानी में उबाल आ जाए तब इसमें चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल दूंगी और हमारा पनीर सूप बनके तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ये डाइट को फॉलो करने के साथ साथ इसके साथ कुछ पॉइंट्स भी फॉलो करनी है। दिन में एटलीस्ट 15 से 20 मिनट वर्कआउट करें, पर ध्यान रखें इतना वर्कआउट करनी है ताकि आपका स्वेट निकले। दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिए। नॉर्मल पानी के बदले में गर्म पानी पिएंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि पानी हमारे बॉडी के टॉक्सिन को फ्लश आउट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, गर्म पानी पेट की चर्बी को गलने में मदद करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, पेट को साफ रखने में मदद करता है, पूरा दिन एनर्जी मिलती है, वेट लॉस करने में तो मदद करता ही है। इसे छोड़ के भी पानी पीने से पूरा दिन हमारा बॉडी हाइड्रेटेड रहता है, तो दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। जंक फूड या फिर कोई भी बाहर का खाना अवॉइड करें। हर मील के 30 मिनट बाद 1 कप करके ग्रीन टी ज़रूर पिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपना स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्दी खाएँ
और स्वस्थ रहें।